क्या करूं। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट whether the lines represent linear equation, intersect at a point, are parallel or coincident. तो आपको तीनों की conditions मालूम है ना? जी सर। ठीक है, तो ये चीजें प्लीज कर लिया कीजिए कि एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल आप एक बार ट्राई कर लें, पता नहीं एग्जाम्स में क्या पूछ लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ यहीं पे लिख के खत्म कर देते हैं कि ये हमारा A1 upon A2 5/7 है इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एंड हमें पहले A1 A2 और B1 B2 को ही कंसिडर करना होता है, एंड B1 B2 हमारा -4/6 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 5/7, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो हमारे पास sir. क्या हो रहा है, हमारे पास हो रहा है कि दीज लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट, इसे आप यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगा। सेकंड वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास है 9/18, 9/18 क्या होता है 1/2, 3/6, 1/2, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आगे जाते हैं, इक्वल नहीं होते तो यहीं पे छोड़ देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन C1 C2 देखेंगे वो भी 12/24 1/2 तो ये तो फिर ये कौन सी लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट, यस कोइंसिडेंट, थैंक यू, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, बिकॉज बोथ द लाइंस आर सेम, सेम ग्राफ बनेगा। अच्छा जी, और थर्ड हमारे पास क्या है, 6/2, 6/2 मतलब 3/1, सो पैरेलल, और ये भी -3/-1 है तो ये भी 3/1 ही हो जाएगा, तो A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but that is not equals to C1 upon C2, तो ये आपकी लाइन आएंगी पैरेलल, ठीक है सर, तो ये हमारे पास, तो प्लीज आप ये सारे क्वेश्चंस भी एक बार कर लिया कीजिए।